हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करें टीवी शोज की तो लोगों के जुबान पर ज्यादातर अभी के टाइम पर गेम ऑफ थ्रोन्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम जैसे टीवी शोज ही टॉप लिस्ट पे हैं। हो ही क्यों ना, ये सारे टीवी शोज अपनी अपनी स्टोरी से लेकर कास्टिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग इन सभी क्षेत्र में कमाल के हैं। तो इन सब बड़े और बिग बजट वेब शोज और टीवी शोज से हटकर आज हम बात करेंगे अपने इंडिया की बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में। इस लिस्ट में मैं आश्रम, मिर्जापुर, सेक्रेड गेम जैसे पॉपुलर वेब शोज के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे बड़े शोज बहुत ही लोगों ने देखे होंगे। आज हम बात करेंगे टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज के बारे में जिनको कम लोगों ने देखा है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पे है 2020 में रिलीज हुई बेताल सीरीज। इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 की, पर इसकी IMDb रेटिंग पर मत जाइएगा। ये शो बहुत ही ज़्यादा औसम है। कास्टिंग की बात करें तो लीड में है विनीत कुमार, आहना कुमरा, जितेंद्र जोशी जैसे दमदार स्टार्स। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है पैट्रिक ग्राहम और निखिल महाजन ने। स्टोरी की बात करें तो विक्रम सिरोही जो अपनी टीम के सोल्जर्स के साथ सूर्य कंस्ट्रक्शन जो एक प्राइवेट कंपनी है उसके साथ मिलकर किसी भी हालत में एक गांव को खाली करवाने जाता है जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। गांव वालों का मानना होता है कि इस गांव पे कोई श्राप है जिस कारण गांव वाले हमेशा डरे डरे हुए रहते हैं। अगर वो गाँव खाली करेंगे तो मारे जाएंगे। अब ये श्राप कौन सा है और ये बेताल नाम की तरह इन गाँव वालों पर चिपका है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी बेताल सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। क्या आपने भी वही देखा था जो मैंने देखा वहां टनल के अंदर? ताकत वापस आ रही है सर। नंबर 4 पर है 2020 में आई जेल 50 सीरीज, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 की और सीरीज में अभय देओल, रितिका आनंद, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा जैसे स्टार्स है। जेल 50 को डायरेक्ट किया है शैलेंद्र व्यास ने। कहानी प्लेन क्रैश पर बुनी गई है। 2019 में एक प्लेन क्रैश होता है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक CBI की टीम बनाई जाती है जिसे अभय देओल लीड करते हैं। जांच से इस क्रैश के लिंक 35 साल पुराने प्लेन क्रैश के लिंक से जोड़े जाते हैं। दरअसल 35 साल पहले भी ऐसा ही एक प्लेन क्रैश होता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो बहुत सारे राज सामने आते हैं। इसमें टाइम ट्रेवल भी दिखाया गया है। सीरीज में क्या होता है ये आप सीरीज देख कर ही जान पाओगे। सीरीज में टाइम ट्रेवल के साथ साथ थ्रिल भी है जो आपको सोनी लिव पर देखने को मिलेगा। क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? सिर्फ किताबों में। नंबर 3 पर है पाताल लोक, जिसकी IMDb रेटिंग है 8 की और सीरीज में लीड में है जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी, स्वस्तिका मुखर्जी और नीरज काबी जैसे स्टार्स। इसको डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण और प्रोसित रॉय ने। सीरीज की कहानी की बात करें तो हतिराम चौधरी यानी जयदीप अहलावत जो एक पुलिस ऑफिसर है, कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें एक हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाता है। केस का जो कल्प्रिट है उसका मानना है कि दुनिया एक नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बांटी गई है, धरती लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। हाथीराम जिन 4 लोगों को पकड़ता है उनकी सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाओगे। पाताल लोक एक प्योर क्राइम थ्रिलर वेब शो है जो आपको Amazon Prime पर ही देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर स्वर्ग लोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। नंबर 2 पर है 2020 की असुर वेलकम टू द डार्क साइड सीरीज। भाई साहब क्या बवाल सीरीज है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4 की। लीड में है अर्शद वारसी, वरुण सोबती, रिधि डोगरा, अमय वाघ जैसे स्टार्स और इस सीरीज को डायरेक्ट किया है ओनी सेन ने। बात करें स्टोरी की तो फोरेंसिक एक्सपर्ट निखिल, CBI ऑफिसर धनंजय और एक ऐसा किरदार जो खुद को असुर मान बैठा है इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस सीरीज में असुर को एक ऐसा वरदान है जो कुछ पलों में कुछ भी सीख सकता है और उसे याद भी कर सकता है। इस सीरीज में धनंजय और निखिल एक सीरियल किलर के पीछे लगे हैं जो बड़ी बेरहमी से मर्डर कर रहा है। इन मर्डर में तीनों का क्या हाथ है, क्या राज छुपे हैं इन मर्डर्स के पीछे, तीनों का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज जो वूट सिलेक्ट पर अवेलेबल है।
गेम बहुत लंबा जाएगा लोटा, बहुत लंबा। लिस्ट पे नंबर एक पर है 2019 में आए और मेरी पर्सनल फेवरेट द फैमिली मैन। इसके IMDb रेटिंग है 8.7 की। लीडिंग में है एक्टिंग के किंग मनोज वाजपेयी सर, प्रिया मणि, शार्य भास्मी, नीरज माधव और दर्शन कुमार जैसे स्टार्स। और इस सीरीज को डायरेक्ट किया है राजन डीके ने। इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने गो गोवा गोन जैसी इंडिया की पहली जोम्बी मूवी डायरेक्ट की है। द फैमिली मैन की कहानी श्रीकांत तिवारी जो स्पाई है और एक फैमिली मैन भी है, उनके काम उनकी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो देखने में एक साधारण आदमी है लेकिन काम असाधारण करता है और एक अच्छा फैमिली मैन बनने की कोशिश करता है। उसकी इसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उसका दोस्त जे के उसका साथ देता है। सीरीज में क्या होता है, श्रीकांत कैसे फैमिली और मिशन हैंडल करता है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी फैमिली मैन, जिसके 2 सीजन है और ये अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। तो ये थे हमारे top 5 क्राइम वेब शोज। इनमें से आपको कौन सी वेब सीरीज पसंद आई है और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। 26/11 रोकना होता तो रोक नहीं लेते, तभी क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? टेरर अटैक रोकेंगे झंडू लोग।